हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फिरोज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट्सएप के एक बहुत बड़ा है वो अपडेट के विषय में। तो इस अपडेट के लिए बहुत दिनों से लोगों का इंतज़ार था, तो चलिए फाइनली अपडेट हो चुका है। तो पहले आप अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, तो फिर आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अपना सेंड मैसेज को भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फीचर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो फ़ोन है और मैं दोनों ही फ़ोन पर व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए प्राइवेट चैट पर चलते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मैसेज करूँगा। तो ये मैसेज सेंड हो चुका है। अगर आप इस मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस मैसेज को 7 मिनट के अंदर डिलीट कर सकते हैं। अगर दूसरे ने ये मैसेज को रीड कर लिया हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फीचर को यूज करने के लिए दोनों ही फ़ोन के व्हाट्सएप को अपडेटेड होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो पहले आप इस मैसेज को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप ऊपर वाला डिलीट के ऑप्शन में जाइए, फिर आपको वहाँ से 3 ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें से आपको डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज दोनों ही फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो आप इस फीचर से सिर्फ मैसेज को ही नहीं, अगर आपने गलती बस कोई इमेज को भी सेंड कर दिया तो उस इमेज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में एक इमेज को सेंड करता हूँ। तो देखिए ये इमेज सेंड हो चुका है। अब इस इमेज को डिलीट करके देखते हैं होता है या नहीं। तो देखिए इमेज भी डिलीट हो चुका है। ये इमेज सिर्फ व्हाट्सएप से ही नहीं, दूसरे वाला फ़ोन की गैलरी से भी डिलीट हो जाएगा। तो आप इस फीचर के मदद से मैसेज, इमेज, ऑडियो फाइल को सिर्फ प्राइवेट चैट से ही नहीं, ग्रुप चैट से भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।